हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको बुध की महादशा में मंगल का अंतरदशा यदि किसी जातक का चलता होगा तो उसके क्या फलित होंगे उसके विषय में बताना चाहूँगा। ये जो बुध की बुध की महादशा में मंगल का अंतरदशा होगा तो ये जो जो दशा काल है, अंतरदशा का काल है, वो 11 माह 27 दिन का चलता है। आपका जन्म नक्षत्र या चंद्रमा का नक्षत्र ही महादशा तय करता है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ऋषि पाराशर ने होराशास्त्र लिखी है उसका एज इट इज़ है। मेरा कोई इसमें आपको हस्तक्षेप नहीं है और मेरा अपना कोई विचार नहीं है। जो चीज़ होगी यथारूप बताऊँगा, और कुछ चीज़ें जो है आज की परिस्थिति में, आज से 3000 साल पहले जब किताब लिखी गई उसकी परिस्थिति में वो अंतर जरूर बताना चाहूँगा कि वो वैसा लिखा है तो क्या हम वैसा का वैसा माने या हम नहीं माने। बुध की महादशा वैसे 17 वर्ष की चलती है, और अब हमको देखना है बुध में मंगल का की अंतरदशा। बुध मंगल 11 माह 27 दिन की चलती है, और बुध मंगल की अंतरदशा जो होगी, फिर मंगल की चलेगी राहु की, गुरु की, शनि की, इस तरीके से क्रम चलता है जो सभी महादशाओं में चलता है। आपके जो जन्म का नक्षत्र है, चंद्रमा जो है मेन, उसी वही महादशा तय करता है कि आपकी जन्म से आपको कौन सी महादशा मिली है। और यही मेन होता है, विंशोत्तरी महादशा जो होती है वो 120 वर्ष की होती है। सभी नवग्रहों की दशाएं महादशाएं के रूप में जानी जाती है, और समय के अनुसार वह परिवर्तित होते रहती है, चलते रहती है। आपकी ग्रह दशा में कैसे फलित होंगे, कैसे रिजल्ट आते हैं, जो ग्रह दशाएं होती है, महादशा जो होती है, जैसे महादशा की दशा हुई, फिर अंतरदशा हुई, प्रत्यंतर दशा हुई, प्राण दशा हुई, सूक्ष्म दशा हुई, ऐसे 5 चरण दशाओं के चलते हैं, और इन्हीं के दौरान जो है फलित होते हैं। कोई इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी दशा एक लंबे समय तक आपको कोई नुकसान नहीं देती, क्योंकि ग्रह दशाएं अपनी लगातार परिवर्तित होते रहती है। बुध यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होगा अच्छे फल देगा, यदि बुरे भाव में होगा तो खराब फल देगा। ठीक है, उसी तरीके से बुध में आपकी मंगल की दशा चल रही है, बुध यदि आपकी कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट में होगा तो अच्छे फल देगा, और बुरी जगह में होगा तो बुरे फल देगा। कभी कभी अच्छी स्थिति में होने के बाद भी बुरे फल आपको महसूस होंगे, ये चीज भी आपको नजर आएगी और आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी 17 वर्ष की यदि राहु बुध की दशा चल रही है, और 17 वर्ष आपका बुध उच्च का भी होगा लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि बीच बीच में जो है दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा ऐसे चलते रहती है, तो ग्रहों की स्थिति बदलते रहती है। अब यदि किसी जातक का आश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र होगा, किसी जातक का आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती नक्षत्र में जन्म होगा, उस जातक को जो है जन्म के साथ ही बुध की महादशा मिल जाती है। आगे देखते हैं कि बुध के क्या क्या कारकत्व होते हैं। बुध के कारकत्व जो होते हैं, मैंने पूर्व के वीडियो में बुध के कारकत्व बता चुका हूँ, तो बुध के कारकत्व के विषय में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन बुध के कारकत्व चिकित्सा के जो मामले में होते हैं, बुध के स्वभाव में तीन प्रकार की प्रवृत्ति होती है, वात, पित्त और कफ। बुध का संबंध जाता कि बुद्धि से है, कुंडली में इसकी स्थिति तर्क तथा विवेक के सामर्थ्य को इंगित करती है। तो बुध बुद्धि का प्रतीक है, वात पित्त कफ इसकी हेल्थ के मामले, वात पित्त का भी कारक होता है। आगे बुध के कारकत्व तो जो है मैंने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें बुध के कारकत्व के विषय में ज़्यादा समय देना उचित नहीं समझता हूँ कि बुध के कारकत्व तो क्या क्या होते हैं। फिर भी बुध जो है शरीर में त्वचा का कारण होता है, गर्दन का कारण होता है, खुजली की बीमारी, आत्मसंयम, प्रकृति में शिक्षा, गणित, ज्ञान, वाणी, लेखन इत्यादि, भक्ति, नृत्य, हंसी मजाक, विद्वान, मंत्र, यंत्र, सामग्री में अश्व, नवीन वस्त्र, महल, है ना, संबंध में नाना, शिशु, मामा। और नेक्स्ट मंगल के कारकों, अब बुध में मंगल चल रहा है तो मंगल के कारकों, मंगल पित्त प्रकृति का कारक, मंगल की पित्त प्रकृति है, ये आक्रामक तथा ऊर्जावान है। कुंडली में मंगल की स्थिति जातक के स्वास्थ्य, तेज, चेतना की प्रबलता को प्रतिबिंबित करती है। मंगल मुख्यतः जो है रक्त विकार, तंतु की फटन, उच्च रक्तचाप, पित्त जन्य सूजन तथा उसके कारण होने वाले ज्वर, पित्ताशय की पथरी आदि के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल के कारकत्व तो मेन है शक्ति, बीमारी, आदमी पेशाब करने में कष्ट, लोगों पर शासन करना, शासन करने का कारण भी मंगल होता है। यदि किसी का मंगल बहुत अच्छा होता है तो बहुत अच्छा वो प्रशासक होता है। चोर, उदार प्रकृति, पवित्र स्थान, चाह, क्रोध, यश, चरित्र, इच्छा, भाषण,
लड़ाई झगड़ा विवाद इस सब का कारण भी मंगल होता है। शस्त्र युद्ध विरोध राजा विदेश गमन अग्नि मौखिक ऊष्मा दिन का आकाश दृष्टि छोटापन आदि, ये तो हुए मंगल के कारक। अब हम देखते हैं किसी जातक की बुध की मां दशा में मंगल की अंतरदशा चल रही हो तो किस प्रकार के रिजल्ट आएंगे। ये मैं कुंडली जो बनाया हूँ मिथुन लग्न की कुंडली है, उदाहरण से आपको बता रहा हूँ। हर एक कुंडली में ये अलग अलग प्रकार की परिभाषा होती है, तो ये मैं सिर्फ उदाहरण के लिए थ्योरी नंबर वन आपको बता रहा हूँ। यदि बुध की दशा में मंगल का अंतर हो, मंगल यदि उच्च का हो, स्वराशि का हो, लग्न से केंद्र में त्रिकोण में या लग्न से युत हो, तो राजा की कृपा से घर में कल्याण संपत्ति वृद्धि नष्ट राजादि का लाभ, पुत्र जन्म संतोष, पशु खेती सवारी का लाभ तथा स्त्री का सुख होता है। क्या लिखा है कि मंगल यदि स्वराशि का हो, तो मंगल यदि स्वराशि का कहाँ कहलाएगा, मंगल या मेष राशि में स्वराशि का कहलाएगा या आठ नंबर में स्वराशि का कहलाएगा, ठीक है। और मंगल केंद्र में हो, ठीक है, मंगल यहाँ पे तीसरे स्थान पे हो, चौथे स्थान पे हो, पांचवें स्थान पे हो या सातवें स्थान पे हो, बारहवें स्थान पे हो, तो ये हाँ जो है मंगल जो है केंद्र में त्रिकोण में कहलाएगा, केंद्र स्थान पे कहलाएगा। और ये त्रिकोण स्थान है, ये नौवा स्थान त्रिकोण स्थान है और ये स्थान त्रिकोण स्थान है। ऐसी स्थिति में भी जो है बहुत अच्छे रिजल्ट मंगल देगा निश्चित रूप से। इस प्रकार से ये जो मिथुन लगन की कुंडली में मैंने बताया कि मंगल यदि केंद्र में हो तो देखिए मंगल के केंद्र स्थानों पर बैठा है और ये मंगल पंचम स्थान पे या नौवें स्थान पे बैठा है, ये भी केंद्र स्थान कहलाते हैं। ऐसे मंगल की प्लेसमेंट होगी तो निश्चित रूप से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। क्या होगा उसमें लिखा है कि राजा की कृपा से घर में कल्याण संपत्ति वृद्धि नष्ट राजादि का लाभ, पुत्र जन्म संतोष, पशु खेती सवारी का लाभ, स्त्री का सुख इत्यादि, मतलब कुल मिला के सारी पॉजिटिव बात होगी। अब क्या पॉजिटिव होगी ये बताना बहुत अपने आप में कठिन है क्योंकि सारी परिस्थितियां आजकल बदली है। राजा की कृपा से लाभ, अब पहले भाई ऐसा था राजतंत्र चलता था, राजा का काम चलता था, अब तो लोकतंत्र चलता है। हो सकता है कि आप सरकारी नौकरी में हैं तो कोई ऑफिसर की कृपा मिलेगी, आपका प्रमोशन हो जाएगा, इस तरीके की बात हो सकती है। बुध की मादा से मंगल के अंदर था थ्योरी नंबर टू। मंगल यदि स्वनीच राशि लग्न से 8-12 में हो, पाप से दृष्ट हो, तो शरीर को कष्ट, मानसिक व्यथा, उद्योग में बाधा, धन नाश, गठिया रोग, शस्त्र व्रण का भय, ताप ज्वर होता है। देखिए मिथुन लगन की कुंडली है और कहता है कि मंगल यदि स्वनीच राशि में होता है, देखिए यहाँ मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, ओके। और बोलता है मंगल यदि मंगल 12वें स्थान पे हो तो ये 12वां स्थान कहलाता है और ये 8वां स्थान पे होगा। ऐसा मंगल बहुत पॉजिटिव नहीं होता, इसके लिए भी क्या उपाय करने होंगे वो भी बताना। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, भरने की बात, आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। भयभीत होने के लिए और डराने के लिए मैं वीडियो कभी नहीं बनाता हूँ। मैं तो कई परंपरागत जो है पंडित मेरी इस बात का विरोध करते हैं कि ये चीज़ों को हल्के से और सरलता से बता देते हैं, जिससे कि उन लोगों को धन अर्जित करने में कठिनाई होती है। धन अर्जन का उद्देश्य मेरा इससे नहीं है, ओके। अब देखिए मंगल यदि दशापति से केंद्र में 5, 9, 11 में हो तो शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो धन लाभ, शरीर सुख, पुत्र जन, बंधु में प्रेम होता है। अब ये दशापति यहाँ पे बैठा, मान के चलो दशापति, तो दशापति से ये जो है 5वां और 9वां और 11वें स्थान होगा तो शुभ होगा। और ये भी लिखा है कि दशापति से केंद्र में होगा तो ये केंद्र स्थान यहाँ पे भी होगा तो शुभ, और ये 7वें स्थान पे होगा तो शुभ, और ये 10वें स्थान पे होगा शुभ। अब आपको दशापति की कुंडली बनाना पड़ेगी, जहाँ पे भी मंगल बैठा है आपकी लग्न कुंडली में वहाँ से कुंडली बना के देख लो कि कहाँ मंगल बैठा है, उसको कहते हैं दशापति से कुंडली बनाना। तो दशापति को हमने यहाँ बैठा लिया है उदाहरण के लिए, ऐसी स्थिति में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं यदि दशापति से मंगल शुभ हो। दशापति निश्चित रूप से जो है बुध कहलाएगा। अब दशापति से 8-12 में से पाप से युक्त हो तो दशा में दशा के आदि भाग में कष्ट, बंधु वर्ग में भय, राजा, चोर, अग्नि का कोप, पुत्र के विरोध, स्थान की हानि आदि होता है। अब ये कह रहा है कि दशापति से यदि हम मान के चलो आपकी लग्न कुंडली जो भी जिसकी भी हो और जहाँ पे भी बुध बैठा हो, बुध से जो है वो मंगल 8वें भाव में या 12वें भाव में होगा, और ऐसी दशा में यदि आपकी बुध की मां दशा में मंगल की अंतरदशा चलेगी तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद नहीं है। आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मंगल यदि द्वितीय से तृतीय हो तो अपमृत्यु का भय। देखिए हमेशा अपमृत्यु का मतलब मृत्यु नहीं होता है, मृत्यु तुल कष्ट होता है। कोई आपको क्या हो जाएगा, कोई आपको एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जिससे कि आपको खतरनाक टाइप की हो जाएगी,
तक कष्ट हो जाएगा। तो लेकिन हमेशा अपमृत्यु का मतलब मृत्यु नहीं होता है, मृत्यु तुल कष्ट होता है। ठीक है, तो यदि यहाँ कन्या लग्न की कुंडली में उदाहरण से बता रहा हूँ, यदि मंगल तृतीयेश हो तो ये यहाँ पे तृतीयेश है मंगल। ठीक है, तो तृतीयेश मंगल भी शुभ नहीं माना जाता। ठीक, इसके बाद द्वितीय मंगल भी शुभ नहीं माना जाता। तो देखिए, अलग 50% भाग तो मैंने नेगेटिव नेगेटिव ही बता दिया हूँ आपको, इसीलिए कहा कि मैंने डरने की जरूरत नहीं है। इसके यहाँ पे भी द्वितीय मंगल होता, मीन लग्न की कुंडली में द्वितीय मंगल कहलाएगा। ठीक है, और तुला लग्न की कुंडली में द्वितीय मंगल कहलाएगा। आगे क्या है, जो कन्या लग्न की कुंडली में तृतीय मंगल जो है मंगल होगा, जो पॉजिटिव नहीं कहलाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, चलो आपकी सारी स्थिति ऐसी बन गई, मान के चलो आपकी कुंडली में ऐसी कोई बात है, तो उपाय क्या है। पहले मैं बता दूं कि मंगल जो है 28 डिग्री में उच्च उच्च का कहलाता है मकर राशि में, और नीच राशि में कब कहलाता है, 28 डिग्री में नीच राशि में कर्क, कर्क का 28 डिग्री का मंगल नीच कहलाता है। ठीक है, मूल त्रिकोण ये जो है मेष में 0 से 12 डिग्री में कहलाता है, और जो है मंगल के मित्र ग्रह सूर्य चंद्र गुरु होते हैं, और इसके सम ग्रह शुक्र शनि होते हैं, और शत्रु इसका बुध होता है। ठीक है, मंगल और बुध की शत्रुता है, तो ये कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ ऐसा ऐसी स्थिति आ गई, कोई नेगेटिव चल रहा है, और आपकी जो बुध में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, तो ग्रह शांति के उपाय शास्त्रों में बताया है, सूर्य से लेकर शनि राहु तक ढेर सारे मंत्र बताए हैं, तो आप में इसमें ऐसी दशा में आपको बुध के आप मंत्र पढ़ सकते हो, मैं आप मंगल के मंत्र पढ़ सकते हो, महामृत्युंजय का जप कर सकते हो, रुद्री जप कर सकते हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो, कोई भी ईश्वरी जो चीज़ें होते हैं, ईश्वरी प्रार्थनाएं होती हैं, इसमें बल होता है। अब शास्त्रों में लिखा है कि आपको दान करना, जो गरीब व्यक्ति है वो कहाँ से सोने चांदी का दान करेगा, गरीब व्यक्ति दान ना करे। जिनकी सैलरी 30,000 से ऊपर है वो व्यक्ति थोड़ा बहुत दान करे, और जिनकी सैलरी 30,000 से या 20,000, वो सक्षम नहीं है, मेरा मतलब ये है कि वो सक्षम नहीं है, उनके यहाँ पैसे का अभाव है, तो दान ना करे, कुल ईश्वरी प्रार्थना करे, और डरने की जरूरत नहीं है। ये जो दान थे ये राजा महाराजाओं के लिए थे, आप थोड़ा सा वैज्ञानिक सोचिए और डरिए मत। ठीक है, तो ये जो मंगल का मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रों सह भौमाय नमः, ओम भौम भौमाय नमः, ये भी उपयोगी होगा। और ये मंगल का जो मंत्र है 10,000 पढ़ना होता है। ठीक है, मंत्र को माले में भी पढ़ सकते हो, या ओम नमः शिवाय का कोई आप मंत्र डेली करते हो तो वो भी बहुत बेहतर होगा, या हरे कृष्ण हरे रामा वाला कई मंत्र करते हैं एस्कॉन वाले जो है वो भी बहुत बेहतर होगा। लगता है ज्योतिष राजा महाराज की बनाई गई थी, तभी तो ग्रह शांति के लिए गाय भैंस दान और शिव की सोने की मूर्ति बनाने की बात कही गई थी, लेकिन आज के डेट में हम सोने की मूर्ति नहीं बना सकते, लेकिन ईश्वरी प्रार्थना तो हम कर ही सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी बड़ा उपयोगी होता है। ठीक है, और भगवान भक्ति से सारे ग्रह प्रसन्न होकर नाचते हैं, और पृथ्वी माता मुदित होकर नृत्य करती है, सारे ऋण जैसे मातृ ऋण पितृ ऋण देव ऋण सभी को से मुक्ति मिलेगी, नारद भक्ति सूत्र में ऐसा लिखा। तो ईश्वरी भक्ति से बड़े फायदे होते हैं, श्रीमद् भागवत में भी ऐसी बात आई है, श्लोक 11वें स्कंद में 5वां श्लोक 5वें अध्याय 41वां श्लोक में है ना। सामान्यतः कोई भी व्यापारिक दृष्टि से ज्योतिष होता है, ज्योतिषी होगा, वो आपको इतना पॉजिटिव नहीं बताएगा, क्योंकि भाई ऐसे इतने सरल सरल सब चीज़ें बता देगा वो आपको, तो वो धन नहीं कमा पाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप भयभीत यदि हो जाओगे तो आपको तकलीफ है। आप आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, तो वो कोई कोई ग्रह ही कष्ट दे रहा है ऐसा जरूरी नहीं है, डे टू डे ढेर सारी चीज़ें आदमी की होती हैं, ज्योतिष की अपनी सीमाएं होती है। हर चीज़ को आप ज्योतिष से आंकने लगोगे, हर चीज़ को आपने ये लगोगे कि मेरी तो बुध की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है, और मंगल तो मेरा 8वें स्थान पे है, 12वें स्थान पे, इसलिए मेरे को कष्ट हो रहा था, आप बहुत परेशान हो जाओगे। हर जगह मंगल का और ज्योतिष का मतलब नहीं होता है। आप अपनी मेहनत को और लगन से अपने सारे काम करें, जो प्रतियोगिता वाले छात्र हैं वो भी खूब मेहनत करें और पढ़ें, तो उनको सफलता मिलेगी। और जो व्यक्ति प्रतिदिन कोई ना कोई शिव सहस्रनाम महामृत्युंजय जप या कोई राम जी का मंत्र पढ़ता है, या रामायण गीता भागवत का पाठ पढ़ता है, तो उसको तो कोई करने कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो सुंदरकांड पाठ करता है, राम रक्षा स्वरूप पढ़ता है, विष्णु सहस्रनाम पढ़ता है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे निवेदन है कि गर्भवती माता किशोरी बालिकाएं वो अच्छा खाएं, कोई व्रत ना रहें, गर्भावस्था में व्रत रहना बहुत हानिकारक हो सकता है। ठीक
ठीक है, और अपने हेल्थ का ध्यान रखें, बाकी जो होगा ईश्वर ठीक ठाक करेगा। विष्णु सहस्त्र नाम जरूर पढ़ना चाहिए, जिसकी बुध की महादशा चल रही है उसको तो विष्णु सहस्त्र नाम डेली अपनी रूटीन की पूजा में रख लेना चाहिए, क्योंकि निःशुल्क उपाय है। और गीता प्रेस का ही विष्णु सहस्त्र नाम लो, और ये विष्णु सहस्त्र नाम का नंबर मैं बता दे रहा हूँ, 206 नंबर का एक विष्णु सहस्त्र नाम है और दूसरा एक और है 1801 नंबर का, ये कोड नंबर है किताब का, यही आप खरीद के पढ़ें, सस्ता है, सुलभ है। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो कैसा आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो है नोटिफिकेशन में क्लिक करें, जिससे कि मेरे नए वीडियो आपको पता लगेंगे और आप देख सकोगे। थैंक यू।